आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिट शॉर्ट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा HP पेविलियन जो EFI सीरीज नोटबुक सीरीज जो लैपटॉप है उसके जो LED ब्लिंक एरर्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए अभी मेरे सामने एक टेबल है जिसमें के पहले टेबल में है नंबर ऑफ ब्लिंक और बीप्स, दूसरे कॉलम में है लोकेशन ऑफ ब्लिंकिंग LEDs, तीसरे कॉलम में है कंपोनेंट बेइंग चेक और लास्ट वाले कॉलम में है एरर कंडीशन। ठीक है, तो ये जो टेबल है जो भी EFI जो EFI बायस है तो उसके अंदर ये सारे LED कोड्स अप्लाई होते हैं। मतलब अगर आपका लैपटॉप EFI बेस्ड फाइल सिस्टम है तो उसमें क्या होता है कि कुछ LED ब्लिंक करते हैं, जो LED ब्लिंक होते हैं उसका मतलब होता है कि एरर, एक एरर कोड होता है वो। तो वो एरर कोड हमें कैसे मालूम होगा? तो ये जो सामने आपके टेबल है ये टेबल आपको दिखाएगा कि वो कोड कौन से है और उसका एरर क्या है और हम उसे कैसे सॉल्व करें। देखिए अब फर्स्ट वाला जो एरर है एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला एरर ही ये कंटिन्यूस ग्लो करता है। क्या कंटिन्यूस ग्लो करता है? बैटरी पावर LED। ठीक है, तो बैटरी पावर LED जो होता है वो अगर कंटिन्यूस ग्लो करता है तो आपको चेक करना है बैटरी। ठीक है, जब हम एडेप्टर लगाते हैं चार्जिंग के लिए तो वो कंटिन्यूस ग्लो नहीं होता तो वो ब्लिंक होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। ठीक है, अगर वो कंटिन्यूस ग्लो कर रहा है तो उसका यहाँ पे देख सकते हैं एरर कंडीशन क्या है। द एसी एडेप्टर इज अटैच एंड द बैटरी इज चार्जिंग बट डज नॉट इट हैव सफिशियंट चार्ज टू पावर द नोटबुक। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एडेप्टर है, जो चार्जर है लैपटॉप चार्जर, वो बैटरी से करंट किया हुआ है और वो चार्जिंग हो रही है बट वो सफिशियंट चार्ज नहीं कर रहा है लैपटॉप को ऑन करने के लिए। मतलब उसमें वो सफिशियंट चार्ज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, एक तो आपका बैटरी खराब है, बैटरी में प्रॉब्लम है या फिर आपके चार्जर में प्रॉब्लम है, तो आप दोनों चीजें चेंज करके आपको देखना होगा। अगर आपने दोनों चीजें चेंज कर लिए और तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो शायद आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड के चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखिए अब ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है अगर आपका चार्जर भी सही है और आपका बैटरी भी सही है तो सबसे पहले क्या करें, चार्जर को निकाल दें, उसके बाद आपके बैटरी को भी निकाल दें लैपटॉप से, उसके बाद जो आपका पावर ऑन स्विच है उसको 20 सेकेंड के लिए, 20 सेकेंड के लिए दबा के रखें, उसके बाद छोड़ दें और वापस से आपको बैटरी लगाना है, चार्जर भी लगाना है और आपको टर्न ऑन करके देखना है। अभी देखिए अगर ये फिर भी नहीं हो रहा है तभी आप मदरबोर्ड का काम करें वरना ना करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला एरर। उसके बाद आता है आपका नंबर एक वाला एरर। देखिए लैपटॉप में एक कैप्स लॉक का एक कीबोर्ड पे बटन होता है और एक न्यूमेरिकल लॉक का एक बटन होता है जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है, अगर ये एक एक बार अगर ये ब्लिंक होता है, ठीक है एक बार ब्लिंक होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका सीपीयू में प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी सीपीयू नॉट, एरर कंडीशन क्या है, सीपीयू नॉट फंक्शनल। तो आपको क्या करना होगा, देखिए अब ये जो एरर है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है आप देख सकते हैं। ठीक
ठीक है, आपको लैपटॉप डिसअसेंबल करना है और आपके मदरबोर्ड को अच्छे से क्लीन करके 50 डिग्री तक उसको हीट देना है नॉर्मली एकदम, ठीक है। उसके बाद सीपीयू निकाल के वापस से अच्छे से बैठाना है, ठीक है। हीट सिंक को अच्छे से लगाना है और इसे आप टर्न ऑफ करके देखें तो 90% आपका लैपटॉप तो काम करने लगेगा। उसके बाद आता है सेकेंड एरर। देखिए अब ये सेकेंड एरर जो है आपका कैप्स लॉक एलईडी और न्यूमेरिकल लॉक एलईडी, अगर ये दो बार ब्लिंक हो रहा है, अगर ये दो बार ब्लिंक हो रहा है तो आपके बायस में प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या, आपका बायस जो ओएस होता है, बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये जो बायस है ये करप्ट हो गया है। तो इसके लिए आपको एक तो आपको एचपी के वेबसाइट पे जाके उसका जो फर्मवेयर है उसे डाउनलोड करें और उसका उसे इंस्टॉल करें, लेटेस्ट बायस को इंस्टॉल करें, ठीक है। अगर आपका लैपटॉप टोटली बंद है, बिल्कुल डिस्प्ले नहीं आ रहा है और ये आपको एरर फेस हो रहा है, तो आपको फिर बायस प्रोग्रामर के थ्रू आपको ये बायस फ्लैश करना होगा, बायस को अपडेट करना होगा, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट एरर के लिए। देखिए ये अगर आपका कैप्स लॉक एलईडी और न्यूमेरिकल लॉक एलईडी 3 बार अगर आपका ब्लिंक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके मेमोरी में प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है, मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी यानी क्या, रैम। तो आपको क्या करना है, एक तो मेमोरी आपको रैम आपको चेंज करके देखना है ये रैम खराब है या नहीं, ठीक है। अगर रैम खराब है तो चेंज करके देखे और अगर रैम में प्रॉब्लम है तो चेंज करवा लें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एरर में, कैप्स लॉक और न्यूमेरिकल लॉक एलईडी अगर 4 बार आपका ब्लिंक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपके ग्राफिक्स में प्रॉब्लम है। ग्राफिक्स यानी देखो लैपटॉप शुरू तो होता है लेकिन डिस्प्ले नहीं आता है, ठीक है। तो होता क्या है, आपका जो ग्राफिक चिप है तो ग्राफिक चिप में आप पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए आपको ग्राफिक चिप पर काम करना होगा तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर कैप्स लॉक और न्यूमेरिकल लॉक जो एलईडी है वो 5 बार अगर आपका ब्लिंक हो रहा है तो आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, सिस्टम बोर्ड यानी मदरबोर्ड, ठीक है। तो जनरल सिस्टम बोर्ड फेल्योर ये आपका एरर कंडीशन है। इसमें आपको क्या करना है, लैपटॉप को सबसे पहले क्या करना है, बैटरी निकाल दे, चार्जर निकाल दे, 20 सेकंड के लिए पावर बटन दबा के रखे। अगर दबा के रख वापस से छोड़ दे और वापस से बैटरी और चार्जर लगा के चालू करके देखे, ऑन करके देखे, अगर ये शुरू होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको डिसअसेंबल लैपटॉप को करना होगा और मदरबोर्ड आपको क्लीन करना होगा, उसे 70 डिग्री तक टेम्परेचर 70 डिग्री तक आप उसको हीट देना है टोटली मदरबोर्ड को, ठीक है। लेकिन कोई भी पार्ट उसमें खराब नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक पार्ट के ऊपर हीट ना दे, ठीक है। एक 60 से 70 डिग्री तक उसको हीट देना है, नॉर्मल हीट जिसे कहते हैं हम, नॉर्मल हीट उसको देना है, ठीक है। तो शायद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये लेकिन ये इसका आप गारंटी है 50-50%, ठीक है। उसके बाद आपका एलईडी अगर 6 टाइम्स ये एरर होता है, 6 टाइम अगर वो ब्लिंक हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके बायस में प्रॉब्लम है, यानी ये वो बायस ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको बायस अपडेट करना होगा, ठीक है। और अगर आपका एसी पावर एडिप्टर जो एलईडी होता है वो कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है तो आपके एडेप्टर में प्रॉब्लम है, तो आपको एडेप्टर चेंज करके देखना होगा। अगर ये एलईडी ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है तो आपको क्या करना है, पावर एडेप्टर चेंज करना है, और पावर एडेप्टर चेंज करके अगर अच्छे से पावर अच्छे से काम कर रहा है तो सीधा आप एडेप्टर को चेंज करवा दे, उसे रिपेयर ना करे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सब एरर है
आपके एचपी पैवेलियन ईएफआई सीरीज लैपटॉप के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लैपटॉप के एरर के थ्रू आपको देखना है और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो आने वाले नए वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहे। तो देखते रहिए हिपशॉट फिल्म्स। थैंक यू।